नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की पहचान क्या है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु जो कि हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, पहचानेंगे कैसे? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति तो बहुत पुरातन है और इसमें गुरु बनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाता है ताकि गुरु उनके जीवन को नई सकारात्मक दिशा दे सके, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। गुरु की जो महत्ता उसको बताते हुए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्न, तीनों लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। कभी परमेश्वर जी हमें बता रहे हैं कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के बिना किया गया नाम, जाप, भक्ति और दान धर्म सभी बिल्कुल व्यर्थ। प्रमाणिक गुरु का सबसे प्रथम लक्षण यह है कि वह स्वयं प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित होता है, जो कि स्वयं श्री भगवान से प्रारंभ हो रही है। उसे आध्यात्मिक गुरु की सेवा संपादित करने के लिए मान्यता भी प्राप्त होना चाहिए। वृद्ध जीव की बुद्धि में खोट होते हैं। एक प्रमाणिक गुरु कभी भी वह शिक्षा नहीं देते जो उनके द्वारा अविष्कृत त्रुटिपूर्ण हो, अपितु वे बगैर किसी बदलाव या भटकाव के यथावत वही शिक्षा देते हैं जो शास्त्रों में और भगवान के द्वारा बताई गई है। केवल इसी प्रकार की शिक्षाएं त्रुटि रहित होती है और प्रमाणिक गुरु यही शिक्षा प्रदान करते हैं। जब प्रभुपाद से यह पूछा गया था कि कैसे पहचाने कि भगवद गीता का कौन सा अनुवाद पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि आपको क्या लगता है कि कौन भगवद गीता को ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा? वह व्यक्ति जो 100% भगवान कृष्ण की सेवा में परायण है, जो उनके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो भगवद गीता के ऊपर 2 घंटे का प्रवचन देते हैं पर कभी भी भगवान कृष्ण का नाम का जाप नहीं करते? इसलिए जो कृष्ण के विज्ञान को समझते हैं और उनकी सेवाएँ पूरी तरह से परायण हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि वे कभी भी यह दावा नहीं करते कि स्वयं भगवान है। वे स्वयं शास्त्रों का दृढ़ता से पालन करते हैं और अपने अनुयायियों को भौतिक आसक्तियों से हटाकर मुक्ति मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। तो यही सच्ची गुरु की पहचान है। वर्तमान में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि वह गुरु धारण करना चाहे तो किसे गुरु बनाए, उसकी सामर्थ्य और शक्ति का मापदंड कैसे निर्धारित करें, है ना? तो श्रीमद्भागवद गीता यदि पवित्र जो ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तथा नकली संतों, महंतों और गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है, तब परमेश्वर से माकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं और भक्ति मार्ग के शास्त्रों के अनुसार समझाकर भगवान प्राप्ति की मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जो भगवान की तरफ आपको लेके जाएं, ईश्वर भक्ति की तरफ लेकर जाएं, अच्छे कर्म करने के लिए आपको हमेशा कहते रहें, वही आपके सच्चे गुरु हो सकते हैं। क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जन्म मरण के रोग रूपी अंधकार से पूर्ण मोक्ष रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद और अंधभक्ति की गहरी नींद से जगाकर समस्त जन समूह को वास्तविक और प्रमाणित भक्ति प्रदान करते हैं, वही आपके सच्चे गुरु हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की। आज हम अक्षर ज्ञान तो कर रहे हैं लेकिन अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं, और इतने सारे धर्म गुरु और संतों के होने के बावजूद भी लोग नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और भगवान में हमारी आस्था खत्म होते जा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे सच्चा गुरु आपको किसको बनाना है और सच्चे गुरु कौन है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।